हेलो दोस्तों, तो मैं पहुंच चुका हूं नैनीताल। देख रहे हो क्या नज़ारे हैं नैनीताल के। अपनी बोट राइड चल रही है नैनीताल में। कल सुबह निकले थे यार अपना दिल्ली से, और आज पहुंच चुके हैं सरोही ताल में। मैंने रूम लिया यहां से 5 किलोमीटर पहले, ठीक है, 1200 रुपये का रूम लिया मैंने, मस्त विद ब्रेकफास्ट। तो ये है कुछ नैनीताल के बोटिंग का नज़ारा। अभी माल रोड भी घूमूंगा आप लोगों को, वो भी दिखाऊंगा। नेचुरल लेक है, नेचुरल लेक है बिल्कुल। ये नैनीताल उत्तराखंड में है, ये दिल्ली से 300-325 किलोमीटर मैक्सिमम। यहाँ के नज़ारे देखो दोस्तों, कितने प्यारे लग रहे हैं। बिल्कुल क्लियर मौसम है, लेकिन मौसम थोड़ा सा ठंडा है, ठीक है। और दूसरी चीज़, यहाँ की भीड़ देखो कितनी प्यारी लग रही है जी। अभी यहाँ पे हम माल रोड घूमेंगे, उसके भी आपको नज़ारे पूरा दिखाऊंगा। ये नैनीताल के इस टाइम के नज़ारे हैं। दोपहर के 3 बज रहे हैं और हम घूम रहे हैं नैनीताल झील में। दोस्तों यहाँ की टिकट है 320 रुपये आधी झील घूमने के, और अगर पूरी झील घूमनी है तो 420 रुपये की टिकट है। तो हमने तो भाई पूरी ली है, हम तो पूरा घूमे एंड तक जाते हैं टेम्पल तक, टेम्पल से वापस घूम के आएंगे। फुल एन्जॉयमेंट है यहाँ पे, नेचुरल लेक है, आराम से घूमते रहो। बाइक बोट चला रहा है अपना, अभी फोटोग्राफी भी करेंगे, फिर माल रोड वगैरह घूमेंगे, फिर रूम में रेस्ट करेंगे, क्योंकि नॉर्मल पॉइंट वगैरह अभी नहीं घूमेंगे हम, वो फिर कभी देखेंगे क्या क्या पॉइंट है। मैं आपको भी भाई से पूछ के सब बताऊँगा। और कल सुबह हम जाएंगे कैंची धाम, उसकी मैं सेपरेट वीडियो डालूंगा, तो वो आप ज़रूर देखना। नीम करोली बाबा आश्रम, ठीक है गाइस। और अभी भाई से पूछ के मैं बताता हूँ कौन कौन से पॉइंट हैं। तो यार ये भाई मुझे बोटिंग करा रहा है यहाँ पे नैनीताल लेक में। तो भाई बताइए यार कौन कौन से पॉइंट है यहाँ पे घूमने के लिए। ऊपर है पॉइंट पहाड़ी में। कौन से पॉइंट है? 15 पॉइंट है, 11 पहाड़ी है। कौन कौन से हैं? ये स्नो भी पॉइंट है, हिमालय दर्शन, स्नो पॉइंट हिमालय दर्शन, और कश्मीरी गोल मार्केट है ऊपर, कश्मीरी गोल मार्केट, अच्छा, और एडवेंचर पार्क है, एडवेंचर पार्क, और नैनीताल जू भी यहीं पे है ना। जू भी यहीं है, नैनीताल जू भी यहीं पे पीछे ऊपर। और सत्यनारायण टेम्पल है किलवरी वाला, सत्यनारायण टेम्पल, अच्छा, किलवरी पॉइंट है, किलवरी पॉइंट, वो क्या है? इको पॉइंट है, इको पॉइंट, उसमें क्या है? बर्ड सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी, और केप गार्डन है। कौन सा गार्डन? केप गार्डन, केप गार्डन, उसमें क्या है? केप गार्डन में अंदर केप वगैरह है, अच्छा। और सूखा ताल है, खुरपा ताल है, सूखा ताल, खुरपा ताल, ये सब ऐसी लेक वगैरह है क्या? हाँ, अच्छा, और कुछ है? लवर पॉइंट, सुसाइड पॉइंट तो नॉर्मल है, तो हर जगह ही होते हैं ये तो है। अच्छा, हॉर्स राइडिंग भी है, और वो एक जो घोड़ा करके ऊपर जाते हैं वो क्या है? हॉर्स टिफिन टॉप बोलते हैं ना उसे, टिफिन टॉप भी है यहाँ पे, टिफिन टॉप ले जाते हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो यार ये सारे पॉइंट अपने भाई ने बताए, ये यहाँ पर नैनीताल में घूमने के लिए हैं। यार बोटिंग एंजॉय करें अभी तो मज़े हम, बिल्कुल कितनी बढ़िया लग रही है, देखो नज़ारे है ना, अल्टीमेट एकदम नज़ारे। क्या हो गया, क्या हो रहा है? अच्छा, ये पानी फिल्टर हो रहा है यहाँ पे अपने आप, अपने आप नहीं हो रहा। सही है सही है सही है, अंदर कुछ लगा। ये कौन सा मंदिर है भाई सामने? ये पाषाण देवी मंदिर। कौन सा? पाषाण देवी, पाषाण देवी मंदिर, ये रहा ऊपर, ये रहा पाषाण देवी मंदिर, यहीं से हम वापस जाएंगे आगे पूरा घूम के। मस्त लेक है भाई साहब। कितने बजे तक होती है बोटिंग यहाँ पे? रात को 6:30 तक लास्ट बोटिंग होती है भाई यहाँ पे, तो उससे पहले आप लोग कर सकते हो। यहाँ से अपन लोग अब वापस घूमेंगे, टेंपल को घूम के वापस आ गए हम। यहाँ का नज़ारा देखो यार नैनीताल का। वो याच वाली बोट का प्राइस क्या है, मतलब कितना होगा वो? साल का, 6 महीने का होता है उसका। अच्छा, उसका कुछ मेंबरशिप का प्राइस है, वो याच चल रहा है सामने देखो। आम आदमी के लिए नहीं है। अच्छा, वो आम आदमी के लिए बोट ही नहीं है याच वाली। इतना बढ़िया नज़ारा लग रहा है यहाँ से नैनीताल का, कैसा लग रहा था वाली? मज़ा आ रहा है? बीच में खाते फिर आजकल। कितना मस्त नज़ारा है नैनीताल का। पहले जा चुका हूँ पर मैंने कहा चलो थोड़ी सी व्लॉगिंग भी कर लेते हैं। इस टाइम तो आने के लिए बेस्ट वेदर है, शांति वाला मौसम है ना, हल्का सा ठंडा, लेकिन रात को सुबह बहुत ठंडी होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी थी सुबह। ये ड्रम क्यों फेंका हुआ भैया? ये पॉइंट है, किसी का पॉइंट है? किसी का याच का। अच्छा, याच यहाँ पे रुकती है? अच्छा, ड्रम याच के लिए रखे हैं, वहाँ से घुमा देगी, इधर से घुमाएगी तो गुलाबी ड्रम से जाके घूमेगी, वो लंबा टर्निंग होता है। अच्छा,
हवा कितनी जबरदस्त है। उतरना हो तो दोस्तों बताना जरूर कैसा लगा आपको मेरा लेक का व्यू। ठीक है, ये देखो दोस्तों नैनीताल की माल रोड। यहाँ पे हमने क्या करा, वैसे तो हम आए हैं बाइक पे, ठीक है, बाइक मैंने खड़ी कर दी होटल में, और यहाँ पे 600 रुपये में मैंने ले लिया स्कूटी। मतलब होटल वाले ने स्कूटी दे दी रेंट पे, पेट्रोल डाल के अपना नैनीताल घूमते रहो। तो उसी पे आए हैं, अपना पार्किंग घर स्कूटी खड़ी करके नैनीताल लेक अपना मैंने आपको दिखाई, लेक पे अपना घूम लिए, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा अपना माल रोड घूम रहे हैं, उसके नज़ारे। और पॉइंट वाइंट अभी मैं कोई जाऊँगा नहीं, नैना देवी टेम्पल दिखाऊँगा, उसके सामने तिब्बतन मार्केट है वो भी आपको दिखाऊँगा, और बाकी पॉइंट मैंने आपको कुछ दिखाए बताए, मतलब कि जो बोट वाला ड्राइवर था हमारा, तो वो सारे पॉइंट हम कवर कर सकते हैं। अभी मैं नहीं जा रहा हूँ किसी रीज़न से, क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट है, क्योंकि मैं 2 ही दिन लेके आया था सिर्फ, कल कैंचीधाम करके मैं वापस निकल जाऊँगा। तो ये कुछ माल लोड करने जा रहे हैं, सुबह 5:30 बजे निकलूँगा कैंचीधाम के लिए। यहाँ से 18 किलोमीटर है कैंचीधाम, ठीक है, उसके बाद उसके दर्शन करेंगे तीन करौली बाबा आश्रम के, फिर हम निकल जाएंगे दिल्ली वापस। तो अभी माल रोड के नज़ारे आप एंजॉय करो, मौसम एकदम क्लियर है, शांति है, लेकिन भीड़ बहुत है, बहुत भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है नैनीताल में इस टाइम। ये देखो सामने लेक कितनी प्यारी लग रही है, ये देखो दोस्तों क्या मार्केट है नैनीताल की, क्या सेक्सी लोकेशन पे मार्केट बनी हुई है माल रोड। खाने पीने का भी है और सब कुछ है यहाँ पे, एक से बढ़कर एक, सर्दियों तक के कपड़े मिल रहे हैं यहाँ पे, मौसम ठंडा है ना काफ़ी, जैकेटें स्वेटर ग्लव्स टोपियाँ गर्म सॉक्स ये सब मिल रहा है। पीछे तिब्बतन मार्केट लगी हुई है ना नैना देवी टेम्पल के सामने, वो भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि स्कूटी की पार्किंग उस तरफ ही है। मस्त अपना स्कूटी ले लो, 600 रुपये में मिल गई रूम ने दे दी रूम वाले ने, अपना उस पर घूमते रहो जहाँ मर्जी घूमना है, सारे पॉइंट कवर करने हैं चाहे कुछ भी करना है। वैसे कैंचीधाम जाने का सोच रहा था मैं, पर इस टाइम तो बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि ईद की छुट्टी है। एक से बढ़कर एक बढ़िया चीज़ नैनीताल की माल रोड पे, कितना बढ़िया लोकेशन लग रहा है यार, ये देखो अच्छी जगह है रहने के लिए, जरूर विजिट करना गाइस। जिम कॉर्बेट भी जा सकते हो, ऊपर कैंपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, टूर एंड ट्रैवल वाले एजेंट्स यहाँ पे बहुत मिल जाएंगे आपको, जिनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और शिवाली को कुछ दिख गया लगता है कपड़े लेने के लिए, अब हम जाएंगे इसके अंदर। ये देखो मिल गया इसको आज का, ये देखो शिवाली को क्या मिला, इसकी मनपसंद चीज़ ज्वेलरीज और बैग्स, ये घुस चुकी है अंदर। मैं थोड़ा बाहर के नज़ारे ले रहा हूँ, धूप ले रहा हूँ, क्योंकि ठंडी बहुत है, बहुत रही मतलब अच्छी ठंडी है। ये देखो शिवाली अपना ले रही है कपड़े। ये देखो दोस्तों नैनीताल की बोहिया मार्केट, आगे तिब्बत मार्केट बोहिया मार्केट दोनों मिक्स है, या आगे पीछे है पता नहीं, बट किसी से पूछा कहते हैं बोहिया मार्केट ही है, किसी से पूछा कहते हैं तिब्बत मार्केट ही है। यहाँ पे छोटा मोटा ऐसे जैसे सामान होता है ना हल्का फुल्का, वो लेके बैठे हुए हैं। ये देखो तिब्बत मार्केट का व्यू, छोटी छोटी चीज़ें हैं, गर्म कपड़े बहुत मिल रहे हैं यहाँ पे। ये देखो जी यहाँ पे पर्स जूते चप्पल और बहुत कुछ मिलेगा आपको इस मार्केट में। ये आई है जी बोहिया मार्केट, पहले थी जो मैंने आपको कुछ व्यूज़ दिखाए छोटे मोटे वो थी तिब्बतन, ये हल्का सा आगे नैना देवी टेम्पल है वो भी दिखाता हूँ, ये है बोहिया मार्केट। सामने हमारी स्कूटी खड़ी है, जैसे कि मैंने बताया हम स्कूटी में आए हैं, ठीक है, यहाँ का भी व्यूज़ एक बार देखो। ये रहा श्री माँ नैना देवी मंदिर, तो आओ यार यहाँ पर भी दर्शन एक बार कर लेते हैं, जय नैना देवी। ये देखो दोस्तों एक और मार्केट मिली घूमने के लिए, बड़ा बाज़ार, ये ऊपर जाते हैं और ये सारी चारों तरफ मार्केट ही मार्केट है बड़ा बाज़ार की, यहाँ पे सब नॉर्मल चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती हैं। हेलो दोस्तों, तो नैनीताल का टूर मेरा कंप्लीट हो गया है, कुछ चीज़ें मैंने आपको दिखाई, जैसे नैनी लेक हो गया, नैना देवी टेम्पल हो गया, तिब्बत मार्केट, और एक बड़ा बाज़ार था और एक और मार्केट थी। नैनी लेक में बोटिंग वगैरह भी करी, और जो बोटिंग वाला भाई था उसने कुछ चीज़ें बताई और कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो अभी यार शाम के 7 बज चुके हैं, मैं जस्ट रूम में आ चुका हूँ, आज रेस्ट करेंगे और नैनीताल का डे हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया है। कल सुबह 6 बजे के आसपास मैं जाऊँगा कैंचीधाम, उसका सेपरेट ब्लॉग डालूंगा तो आप ज़रूर देखना। ये मैं भी अपने रूम में हूँ, कुछ इस तरीके का मेरा रूम है, ठीक है, सामान वगैरह सारा फैला पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था 1200 रुपये का रूम पड़ा विद ब्रेकफास्ट मुझे, ये मनोहर गेस्ट हाउस है यहाँ पे एक सरोही ताल में, नैनीताल से 7-8 किलोमीटर नीचे, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है,
नीचे मैंने इसलिए लिया क्योंकि ऊपर एक तो पार्किंग वगैरह का बड़ा इशू है, बड़ा इशू है, और कुछ थोड़ा टाइम पहले, एक दो हफ्ता पहले कुछ इशू हुआ था नैनीताल में कि एक्सेस में गाड़ियाँ आ गई थी, पार्किंग नहीं मिल रही थी और हबड़ दबड़ बहुत हुई थी। तो ऊपर जिनको होटल्स हैं चेकिंग हो रही है सिर्फ उन्हें ही जाने दे रहे हैं। कोई भी अगर नैनीताल आ रहा है जो इस चीज़ का ध्यान रखना, होटल पहले बुक करवा लो, नहीं तो ओपन एंट्री नहीं मिल रही है। थोड़ा 2 से 3 किलोमीटर नीचे पहले पुलिस रोक लेती है और फिर उनको आने नहीं देती है। तो ये छोटा सा एक इशू चल रहा है। तो ठीक है गाइस, नैनीताल का ब्लॉग मेरा जरूर देखना, और कल के मैं कैंचीधाम जाऊँगा, वहाँ का एक नया फ्रेश ब्लॉग डालूंगा और वहाँ का व्यूज़ आपको अलग से दिखाऊंगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, एन्जॉय।